तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से लोडिन वर्सेस हमारे फुमिया की बैटल चल रही थी, जिसमें लोडिन ने फुमिया को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया था। एंड इसके बाद लोडिन सेमीफाइनल्स में पहुंच गया था। एंड इसके बाद अब आगे तो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डांटे को देखते हैं जो बेबलेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसका ड्रैगन बेबलेट घूमते ही रुक जाता है। तभी वो सोचता है कि मैं ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझे लोडिन से जीतना है तो मुझे और भी तगड़ा लॉन्च करना पड़ेगा। एंड उसके बाद वो एक और बार खड़ा होकर कहता है कि चलो ठीक है एक और बार। एंड ये सब उसके अंकल देख रहे होते हैं। एंड उसके बाद डांटे कहता है कि शायद मैं वाइंडर ठीक से नहीं पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन अनजाने में एक बॉटल उसके पास आती है, लेकिन अनजाने में ही उससे एक लॉन्च हो जाता है। एंड उसके बाद उसके अंकल कहते हैं काफ़ी बड़ा कैच था। एंड उसके बाद डांटे कहते हैं आप देख नहीं रहे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड उसके बाद उसके अंकल उसका बेबलेट घूमता हुआ देखते हैं। एंड अंकल कहते हैं कि मानना पड़ेगा तुम पहले से बेहतर हो गए हो। एंड इसके बाद डांटे पानी के लिए शुक्रिया कहता है। एंड डांटे उनसे कहते हैं कि अंकल मुझे बताइए सुपर एपिक लॉन्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और उसके अंकल कहते हैं कि शायद तुमने वो पहले ही कर दिया है, लेकिन डांटे कुछ भी समझ नहीं पाता। तो गाइस, इसके अगले सीन में हम स्टेडियम को देखते जो पूरी तरह से तैयार होता है। एंड उसके बाद हानामी कहता है कि हे बे फैंस, आप सभी इस ऑसम बैटल के लिए तैयार हो। एंड उसके बाद स्टेडियम जोर से चिल्लाता है। एंड उसके बाद अगले सीन में हम वॉल टावर को देखते। वॉल्ट कहता है कि लोडिन काफ़ी टफ ऑपोनेंट है डांटे, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। एंड इसके बाद हमारे लोडिन की एंट्री हो जाती है। एंड उसके बाद हमारे डांटे की एंट्री हो जाती है। डांटे आते ही लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है, कहता है कि चलो ड्रैगन उसे हराते हैं। एंड तभी लोडिन कहता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड में बर्स्ट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद डांटे कहते हैं ओ तुम्हें इतना आसान लगता है, करके दिखाओ। इसके बाद दोनों 3-2-1 चक्कर दे टक्कर बोलते लॉन्च कर देते। दोनों आते एक साथ टकराने वाले होते हैं। तभी जो डांटे होता है ड्रैगन को अटैक करने के लिए कहता है। दोनों की एक क्रैश टक्कर हो जाती है। एंड लोइन और ड्रैगन को हवा में उड़ा देता है। एंड जो ड्रैगन होता है बर्स्ट हो जाता है डांटे के आंखों के सामने। एंड डांटे ये सब देखते रह जाता है। एंड तभी लोडिन को 2 पॉइंट दिए जाते हैं बर्स्ट फिनिश के लिए। इसके बाद किसी को भी यकीन नहीं होता कि उसने 4 सेकंड के अंदर बर्स्ट कर दिया है। एंड उसके बाद डांटे अभी भी सोच नहीं पाता कि मैं किस तरह से लॉन्च करूँ। एंड तभी जो लोडिन होता है वो कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें इस बार 4 सेकंड के अंदर बर्स्ट करके दिखाऊंगा। एंड ये सुनकर डांटे को काफ़ी गुस्सा आता है। एंड तभी उसका ड्रैगन बेबलेट कहता है कि गुस्सा मत करो, कॉन्सेंट्रेट करो, तभी तुम जीत पाओगे। एंड इसके बाद डांटे कहते हैं कि ठीक है ड्रैगन समझ गया। एंड उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट करता है। एंड सोचता है कि अगर वो अटैक टाइप है तो मुझे डिफेंस से शुरुआत करनी चाहिए, तो रॉक ड्रैगन को यूज करने की सोचता है। एंड तभी उसके बाद दोनों के बीच दूसरी बैटल चालू हो जाती है। डांटे जो होता है कॉन्सेंट्रेट करता है। एंड तभी जो डांटे होता है अपने लॉन्च पोजिशन बदल देता है। एंड वो अलग लॉन्च करता है। एंड ये देखकर आर्मन काफ़ी चौंक जाता है। एंड उसके बाद जो ड्रैगन होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एंड वॉल्ट आवे कहता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी टक्कर हो जाती है। लोडिन ये बैटल देखकर काफ़ी खुश लगता है। एंड उसके बाद जो ड्रैगन होता है वो पटरी पर चढ़कर मतलब जोर से एक छलांग मारता है। एंड डांटे ड्रैगन को अटैक करने के लिए कहता है। एंड तभी दोनों के बीच एक टक्कर हो जाती है। एंड इसके चलते डांटे जो होता है ड्रैगन को और अटैक करने के लिए कहता है। एंड इसके तुरंत बाद जो ड्रैगन होता है बिना रुके बिना थके अटैक करते जाता है। एंड इसके बाद लोडिन कहता है तुम्हारे बकवास अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा। एंड इसके बाद दोनों के बीच एक लास्ट टक्कर होने वाली रहती है। एंड तभी जो डांटे होता है अपना रॉक क्रैश अटैक को इस्तेमाल करता है। एंड दोनों के ब्लेड हवा में उड़कर स्टेडियम से टकरा जाते हैं। एंड इसके बाद जो डांटे होता है अपने ड्रैगन को टिके रहने के लिए कहता है। एंड जो लुइनर होता है सर्वाइवल फिनिश हो जाता है। एंड ये देखकर डांटे को 1 पॉइंट दिया जाता है। डांटे इससे काफ़ी खुश हो जाता है। एंड लोडिन इससे काफ़ी हैरान हो जाता है। एंड तभी डांटे को 1 पॉइंट मिलने के बाद जो आर्मन होता है कहता है कि क्या बात है डांटे, ऐसे ही कोशिश करते रहो। तो गाइस, इनके बीच तीसरी बैटल चालू हो जाती है। बैटल चालू होने से पहले जो अपना डांटे होता है वो सोचता है शायद मैं स्टैनर से जीत सकता हूँ,
इसलिए वो ग्रैंड ड्रैगन को इस्तेमाल करने की सोचता है। एंड इसके बाद जो लोडिन होता है कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार मैं तुम्हारे ब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एंड इसके बाद जो डांटे होता है कहता है कि ठीक है आ जाओ मैं तैयार हूँ। एंड इसके बाद दोनों 3-2-1 चक्कर दे बोलते लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोडिन होता है अपने लुइनोर को अटैक करने के लिए भेजता है एंड जो लुइनोर होता है धपाधप अटैक करते ही जाता है। एंड इसके बाद डांटे ड्रैगन को टिकने रहने के लिए कहता है एंड डांटे की किस्मत खराब हो जाती है क्योंकि लुइनोर का जोन हैमर चार्ज हो जाता है। एंड तभी जो लोडिन होता है अपने स्पेशल मूव उस पर करता है एंड जो ड्रैगन होता है हवा में उड़ जाता है लेकिन वो किस तरह से बचकर स्टेडियम में वापसी कर लेता है। एंड इसके बाद डांटे कहता है क्या बात है ड्रैगन। एंड इसके बाद जो लोडिन होता है कहते हो अभी तक टिका हुआ है। एंड इसके बाद जो डांटे होता है अपना स्पेशल मूव ग्रैंड स्ट्राइक अटैक को इस्तेमाल कर देता है। एंड तभी जो ड्रैगन होता है धपाधप अटैक करने के लिए लग जाता है एंड लोडिन कहता है क्या बात है मुझे हराने की नाकाम कोशिश करते रहो। एंड इसके बाद जो ड्रैगन होता है फिर भी नहीं रुकता अटैक करते जाता है एंड डांटे कहता है और भी अटैक करते रहो ड्रैगन। एंड इसके बाद जो लोडिन होता है वो कहता है कि लुइनोर को बाहर निकाल देता है। एंड इसके बाद जो लुइनोर होता है वो दोनों को स्टेडियम के पटरी पर ला लेता है। एंड इसके बाद हमारा वॉल्टावे कहता है कि काफ़ी कमाल का मूव था। एंड इसके बाद दोनों की टक्कर होने वाली रहती है। एंड उसके बाद जो हमारा डांटे होता है अपने ड्रैगन को बाहर निकाल देता है एंड अपना लोडिन भी अपने लुइनोर को बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की काफ़ी घमासान टक्कर होने वाली रहती है एंड दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों की टक्कर से डांटे का ब्लेड जो होता है बाहर निकलने वाला रहता है लेकिन लुइनोर के भारी होने के कारण दोनों सेम वक्त पर नीचे गिर जाते हैं। एंड इसके बाद जो रेफरी होता है कहते हैं कि ये मैच ड्रॉ हो चुके है इसका मतलब किसी को भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो डांटे होता है वो ड्रैगन से पूछता है हे ड्रैगन हम क्यों नहीं जीत पाए। एंड उसके बाद ड्रैगन से कुछ रोशनी आती है एंड हम देखते हैं कि डांटे सामने ड्रैगन होता है। एंड तभी डांटे ड्रैगन से पूछता है कि हम क्यों नहीं जीत पाए। एंड इसके बाद ड्रैगन कहता है कि डांटे ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ तुमने पूरी ताकत लगा दी थी पिछली बैटल को याद करो तुमने किस तरह से अपना दिमाग लगाकर खेला था अपने दिल से। एंड तभी डांटे कहते कि आपने दिल से खेलना मैं समझ गया। एंड उसके बाद जो डांटे होता है वो लोडिन से कहता है कि हे लोडिन क्या तुम इस बैटल के लिए तैयार हो। एंड इसके बाद लोडिन कहता है तुम हार नहीं मानते हाँ मुझे तुम पसंद आए। एंड इसके बाद डांटे कहता है कि तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हें अब तक का सबसे अच्छा लॉन्च दिखाऊंगा। एंड इसके बाद जो डांटे होता है अपने रॉक ड्रैगन को बाहर निकाल देता है एंड हम देखते हैं कि यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो यार उम्मीद है एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल वाले आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। तो अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पर आपको छोटे मोटे अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपके मैसेज का मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करता रहूँगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो आप मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जक कर दे टक्कर।